इस वक्त डॉक्टर सौरभ चौधरी भी जुड़े हुए। डॉक्टर सौरभ, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे मौसम के बदलने के साथ साथ में तो कई सारे इन्फेक्शन से हम रूबरू होते ही हैं, लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनरेशन में बदलाव आया है और हमने स्मार्टफोन्स का यूज करना शुरू किया है, तो ऐसे में स्क्रीन टाइम हम बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स पर देने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपकी आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उम्र के पहले आपको चश्मा लग जाता है। स्क्रीन टाइम की अगर बात की जाए तो स्क्रीन टाइम के हिसाब से क्या बाउंडेशंस होनी चाहिए? नमस्कार। जो आजकल ये देखा गया है कि सब लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे काम, हमारे डिफरेंट जो डे टू डे एक्टिविटीज़, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन सबकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। बट जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा एक बढ़ रहा होता है उसकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम जब छोटे थे बाहर जाते थे, बाहर खेलते थे, अब सेफ नहीं है बाहर जाना, तो उनके लिए स्क्रीन्स, टेलीविजन्स, मोबाइल फ़ोन्स ही एक चारा बच गया है। और एज पेरेंट्स हम अपने बच्चे को बहलाने के लिए भी, अगर वो खाना नहीं खा रहा तब भी हम उनके आगे स्क्रीन्स रख देते हैं। हमारे जो आंख के अंदर जो मसल्स हैं वो एकदम अलग तरीके से काम करती हैं जब उसको पास की तरफ देखना पड़ता है। अब इस एज के अंदर स्पेशली अगर ये मसल्स ज़्यादा काम करेंगी, ये मसल्स ज़्यादा वर्क करेंगी, तो ये मसल्स स्पाज़म में चली जाती हैं। स्पाज़म का मतलब है ये लूज़ नहीं हो पाती हैं, और इससे ये देखा गया है कि बहुत ही बच्चों में माइनस नंबर की तरफ नंबर बढ़ने लगता है जी। अब इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़, सनलाइट, बेसिकली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब मिले, हेल्दी न्यूट्रिशन मिले। बट ये अब एक तरीके से एक एपिडेमिक बन चुका है। सबसे पहले ये सिंगापुर और चाइना वगैरह में देखा गया था, बट अब इंडिया पीछे नहीं है, और इंडिया में भी अब ये ऐसा है कि हर एक चौथा बच्चा इस कंसिडर्ड कि उसको चश्मे की ज़रूरत है जी। अब बच्चों के अलावा जो एडल्ट्स हैं जिनके काम ऐसा है कि जिनको कंप्यूटर्स पे बैठना पड़ता है, मोबाइल पे काम करना पड़ता है, और जैसे आप लोग भी हमेशा डिजिटल के साथ ही काम करते हैं, इसके लिए भी बहुत सारी अब कंडीशंस आ गई हैं, और इसको हम कलेक्टिवली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के अंदर फटीग जो आँखों का वो, हाँ जी ठीक है। डॉक्टर सौरभ, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ रजनी कोटा से जुड़ चुकी है। रजनी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी रजनी जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे जी, हमारे साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब मेरी आंख में ना सुबह उठते वक्त थोड़ा ऐसे लगता है जैसे पानी वो सूजन की हो गई है, फिर अपने आप थोड़ी देर में ठीक होती है। आंख के नीचे थोड़ा ऐसे में सूजन रहती है कभी कभी। ठीक है डॉक्टर सौरभ, आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जब हम रात को सोते हैं हमारी बॉडी एकदम डिफरेंटली काम करती है। जो ये बॉडी हमारी डिफरेंटली काम करती है, थोड़ा वाटर रिटेंशन, जो पानी हमारी बॉडी के अंदर है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जो आँख की सूजन की बात हो रही है, ये मैं सूजन नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा ये पफिनेस है। पफिनेस का मतलब है कि जो नॉर्मल वाटर कंटेंट है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। कई लोगों की, क्योंकि लिड थोड़ी सी कमज़ोर होती है, उसमें ज़्यादा दिखाई देता है कि पानी भर रहा है बॉडी के अंदर। बाकी लोग, जैसे कोई यंगर होता है, क्या है वो, उनकी भी बॉडी के अंदर वो पानी इकट्ठा होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो सूजन का मतलब है कहीं इन्फ्लेमेशन होना, सूजन का मतलब है जैसे कहीं मच्छर काटा या चोट लगी या कुछ हुई जिसकी वजह से तकलीफ हुई। बट ये जो है ये सूजन नहीं कहूँगा मैं इसको। और जो पानी आने की समस्या है, वो एक एज के बाद स्पेशली वुमेन के अंदर थोड़ी ड्राइनेस होती है आँख के अंदर, और वो उसकी वजह से हो सकता है। उसके लिए कोई भी एक नॉर्मल लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह नपवा लें, उसको देख लें कि ब्लड प्रेशर तो कहीं हाई तरफ नहीं जा रहा, एक वो चीज़ रूल आउट करनी ज़रूरी है। और ब्लड टेस्ट के अंदर किडनीज विडनीज ठीक काम कर रही हैं, सो वो वाली एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर सौरभ, आपके पास में